एंड दिस विल बी आवर लोकेशन फॉर ओवरलैंडिंग फॉर टुनाइट। अरे ये कर दो यार, इकट्ठी कौन कर रहा था गोल इसको। और ये हमारे मीडिया टीम के लोग मटर छीलते हुए। बाय द वे क्या है आज के मेन्यू में? आज मिक्स वेजिटेबल है। मिस अटेंशन सीकर। अभी यहाँ पर हम मास्क निकाल सकते हैं। Hey everybody, so good morning from Manali. By the way, कल रात को हम पहुँचे थे and उसके बाद tired हो गए थे तो बस सो गई, खाना वाना खा के dinner वनर करके। It's next day in the morning, we are all ready to roll. आज की हमारी जो destination है it is दारचा। हम दारचा में आज रात को कैंपिंग करने वाले हैं। सो फ्रॉम मनाली टू दारचा इट्स नॉट दैट फार, इट विल टेक अस अराउंड 4 आवर्स। तो या पहले हम यहाँ से जिस्पा रुकेंगे, जिस्पा के बाद हम दारचा जाएंगे, जिस्पा में हमारा लंच है। अभी टाइम हो रहा है 11:15। हम निकल चुके हैं मनाली से एंड वी आर गोइंग टू बी एंटरिंग अटल टनल इन अ फ्यू मिनट्स। इट्स थर्ड टाइम इन द ईयर, लाइक अभी हम 15 दिन पहले यहाँ से स्कूटी से गए थे और अभी नाउ वी आर गोइंग फॉर एक्सपेडिशन। और आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है इट्स दारचा, बट विल बी स्टॉपिंग इन जिस्पा एज वेल फॉर लंच एंड देन विल हेड टूवर्ड्स दारचा। तो दारचा तक का डिस्टेंस जो है यहाँ से अराउंड समवेयर अराउंड 89-90 किलोमीटर्स जितना है, पर टाइम तो लगेगा बिकॉज पहाड़ों में यू नो। या सो वेदर जो है नीचे मनाली में हो रहा था काफ़ी गर्म और अभी मस्त ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। एंड मेरे साथ कौन कौन बैठे हुए हैं? ओके, हमारे साथ है आशु जी जो कि ड्राइव कर रहे हैं, हम इनकी गाड़ी में बैठे हैं एंड यस आ गए अटल टनल के सामने। पर्टिकुलरली फॉर रिफिलिंग आर वाटर बॉटल फ्रॉम नेचुरल सोर्स, और मैं यही करती हूँ। बट यहाँ पर ये जो कचरा देखा मैंने जब, तो मेरा दिमाग हो गया ख़राब। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गाइज वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग अराउंड माउंटेन्स और एनी वेयर, डू कैरी योर वाटर बॉटल, बॉटल को रिफिल कर लो। पहाड़ों पर तो आपको नेचुरल ऐसे सोर्स मिल जाते हैं मिनरल वाटर के, और अगर हम अभी भी नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो हमारा इतना सुंदर भारत कभी भी नहीं देख पाएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज़ 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 डोंट later। बड़ी सो हम आ गए हैं सिसु तक। हमारी जो पीछे की और भी गाड़ियाँ हैं वो थोड़ी देर में आएगी क्योंकि सब थोड़े अलग अलग निकले हुए थे। इसके बाद हम साथ में, आई वॉज टेकिंग माई कैमरा, बाय द वे वी आर इन सिसु और ये है वो ब्रिज जहाँ से आप वाटरफॉल के लिए जाते हो। वाटरफॉल उस तरफ है पर हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और मेरे साथ है भाभी जी ज्योति नाम है इनका। अब मैं बार बार भाभी बोलती हूँ तो मेरे को हम सेम एज है, एक्चुअली मेरे से छोटे हैं पर हाँ। तो यस, हम लोग अभी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे एंड नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स अवर व्हीकल। पानी का जो फ्लो है ना काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। हैं क्या चाहिए? नहीं बेटा ऐसे नहीं करो। चॉकलेट खाओगे आप लोग? खाएंगे खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे। 200 ही दे दो, दोनों ले लिए। ये हम रास्ते में हमें रैंडमली भैया मिल गए। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ने हमें एकदम
विदाउट स्प्रे फ्रेश चेरीज दी फ्रॉम केलोंग. थैंक यू, बाय बाय. हाय हाय, बड़ी मस्त है. चलो उधर चलो, धूप में मत खड़े रहो. सो गुड यार, ये बंदा हमारे लिए वरदान था. This is the last petrol pump before like Leh mein phir directly hume petrol pump milega. So everybody is going to fill their tanks here. Kab time lagega? And yahan par kafi zyada time lagega. Yep. So the place name is Tandi. To yahan par refueling karne wale hain. Everybody, we have reached Jispa, और Jispa में we have stopped here for lunch in Padma Lodge. We'll have lunch here. Thank you. Okay guys, so lunch with a view. यार इतना अच्छा लग रहा है ना कि ऐसे एकदम खुले में एकदम मतलब फील ही अलग है. और खाना, आय हाय, everybody, girls, girl gang is here. It's Shivani. So अभी हम लंच करते हैं एंड उसके बाद आपसे वार्तालाप करेंगे आगे. काफ़ी भूख लग गई है. और ये तीन कुत्तों ने घेर लिया है छोटी सी स्टेला को. और सारे घाट पे बैठे हुए एक दूसरे पे अटैक करने के लिए. और ये भागता हुआ, और स्टेला भी कम नहीं है किसी से. स्टेला को देखो, आई मीन ओह माय गॉड, शी इज गिविंग टफ कंपटीशन. ओह गॉड, सो क्यूट यार. स्टेला को देखना, स्टेला व्हाट अ बूटी. ओह गॉड, ये छुटकू. जगह है जहाँ पर आज हम कैंपिंग करने वाले हैं फॉर अ नाइट. एंड एज यू कैन सी हियर आर आवर व्हीकल्स जो कि काफी रोल कर रही है सड़कों पे. आई मीन दिस इज कैंप साइड. अभी इनको अभी मैं देखो, मैं चाह नहीं रही थी पर आपका आ चुका है. हेलो, व्हाट्स हैपनिंग हिमानी, यू टेल व्हाट्स हैपनिंग. यस, आई एम लोडिंग आवर टेंट्स एंड दिस विल बी आवर लोकेशन फॉर ओवर लैंडिंग फॉर टुनाइट. ओके, यू कैन सी द व्यू एंड द अमेजिंग स्ट्रीम. या, वी गॉट वाटर सोर्स एंड एवरीथिंग, फ्लैट लैंड, एब्सोल्युटली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर कैंपिंग. एंड यस, यहां पर हम करने वाले हैं आज कैंपिंग. इस गाड़ी में हमारा राशन है और इस गाड़ी में जो है वो चेयर्स भी है, स्टूल्स भी है. और अभी इससे हम जो है वो अपने मैट्स भी निकालेंगे. मैट्स साइज में बहुत सारे हमारे पास जनरेटर्स हैं इस बार. वी आर गोइंग टू बी पार्टिंग हियर टुनाइट. यस,
और ये हमारा शानदार पहला टेंट लगता हुआ राहुल करने वाले हैं कुकिंग सबके लिए, बाकी हम भी हेल्प करेंगे, सारे हेल्प करेंगे, सब मिलजुल कर खाना बनाएंगे। अभी दो हेड शेफ है हमारे साथ, तो यह अभी पानी सबसे पहले जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पानी कलेक्ट। पानी इतना चिल्ड मिल रहा है, हाँ इतना हमने कभी फ्रिज में भी नहीं देखा। ये इतना चिल्ड है कि इसको पकने में भी मतलब बहुत टाइम लग जाएगा ना, बहुत टाइम लगेगा। और वैसे भी हाई अल्टीट्यूड में खाना बनने में थोड़ा टाइम लगता है, जिससे 15 मिनट लग रहे हैं उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। कुकिंग की तैयारी शुरू हो गई है। बाय द वे क्या है आज के मेन्यू में? आज मिक्स वेजिटेबल है और राजमा है, खीर है, सूप बनाएंगे अभी। ओह माय गॉड, मिक्स पीनट मसाला बनाएंगे। खीर आहा, चलो यह हमारा किचन टेंट अभी तक लगा नहीं है, लग रहा है। और ये हमारे मीडिया टीम के लोग मटर छीलते हुए बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के लोग हैं हमारे साथ, सारे काम में हाथ बटा रहे हैं। और ये स्टेला एक है जो कुछ नहीं कर रही है, पूरा टाइम परेशान कर रही है, खेल रही है। देखो लास्ट एक छोड़ के गए हैं जो लोग यहाँ पर, उससे खेल रही है। किचन टेंट भी लग चुका है, खाने की प्रिपरेशन हो रही है। नहीं यार भाई, मेरे को लग रहा है कुछ नहीं, मान लो मेरी बात, कुछ नहीं होएगा। ऊपर को करना करना ऊपर। ये नहीं हो रहा था टेंट, किचन टेंट हमारा फिट, तो हमारे चौहान जी ने लगाया दिमाग अपना जीएम वाला और यहाँ पे सारा कुछ सेट हो गया है। अब दोनों जिप्सी जो है यहाँ लगा दिए, इससे ना तो विंड आएगी ना ही कुछ, एवरीथिंग विल बी ऑसम। यप, हे स्टेलो, मुझे लग रही थी भूख, किचन टीम बना रही है खाना, तो मैंने उनसे मांगा गाजर। अभी यहाँ पर ये स्ट्रीम इज लाइक कि चलो इसमें थोड़ा सा इसको वॉश करते हैं। और ये पानी इतना ठंडा है कि मतलब इसमें डूबा हुआ गाजर भी हो गया होगा एकदम फ्रीजर से भी ठंडा। इट्स सो कोल्ड। इससे पहले मैं यहाँ पे हैंड वॉश करने आई थी, फ्रीकिंग कोल्ड। मैं गाजर खा लेती हूँ। ज़रूरी है, हाई एल्टीट्यूड में जब भी आप जाते हो कुछ ना कुछ ऐसे च्यू करते रहो तो विल बी लाइक फीलिंग गुड। मेरा थोड़ा सा हेडेक स्टार्ट हो रहा था, इसलिए कुछ ना कुछ खाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम हैविंग इट। 2 आवर्स लेटर। हाँ जी, हाँ क्या? हाँ 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 बिल्कुल। ये देखो हमारी जुझारू लड़की एकदम चॉपर से टमेटोज चॉप करती हुई, आज का वर्कआउट कंप्लीट करते हुए। हाँ यार, सूप पी लो। गाइज आई एम सो सॉरी फॉर चाय। तो गाइज दिस इज आवर किचन और आज हिमानी स्पेशल चाय बन रही है। अभी मैंने इसमें जो है अदरक और चाय पत्ती डाली है। वी आर यूजिंग विच चाय पत्ती, कड़क चाय बनेगी मस्त। हाँ हाँ, खीर के लिए भी, खीर भी मैं बना रही हूँ गाइज। ओके, हाँ ये देखो दूध कहाँ उबलेगा, अभी बॉयल नहीं आया इसमें कुछ भी। ये तो अभी टाइम लगेगा इसको बहुत। तो यस, सबसे पहले हम चाय का वेट कर रहे हैं क्योंकि एवरीबडी इज वेटिंग फॉर टी। और इधर बन रहा है, इधर बन रहा है सूप, तो हमारे पास सारी लिक्विड चीजें बन रही है, सूप, चाय, खीर।